जिसका नाम है लीनियर कम्बिनेशन जो डेफिनेशन लीनियर स्पेन के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले लीनियर कम्बीशन लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन की हमने वैक्टर स्पेस के अंदर पढ़नी है तो सबसे पहले तो हमारे पास वैक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ तो लेट स्टार्ट डेफिनेशन लेट वी बी ए वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड इफ़ वी वन वी टू सो ऑन वी एन हमारे पास वैक्टर्स हैं जो वैक्टर स्पेस में से एलिमेंट्स उठाए बिलोंग टू वी

कि मैं अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री सो ऑन अल्फा एन वी एन को लिख पाऊँ इक्वल टू वी दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट्स एनी एलिमेंट जो वी इनके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म के अंदर लिखा जाए उसे बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन तो वी को बोलेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वी वन वी टू सो ऑन वी एन विद द हेल्प ऑफ स्केलर्स तो इसे लिख सकते हैं वी इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन अल्फाई वी एन वी आई वेर आर अल्फाई फील्ड के एलिमेंट हैं और आई रनिंग फ्रॉम वन टू एंड इसीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स वे आर वी वन वी टू वी एन ओवर एफ आपके पास वैक्टर्स हैं वी में ओवर जो वैक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ के ऊपर है नाउ नोट वन फॉर स्टडी करते हैं सिंस वी इज वैक्टर स्पेस सो द बाई प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस एंड स्किलेश वी वी हैव वी बिलोंग टू वी तो देखो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो आपको वी इन फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है तो जो राइट हैंड साइड के अंदर है वो सम ऑफ फैक्टर्स हैं और हम ये जानते हैं और सबसे पहले तो अल्फ़ा वन वी वन भी वी में जाएगा क्योंकि वी वीक का एलिमेंट और अल्फा स्केल का एलिमेंट है और स्केलर मल्टीप्लीशन क्लोज होती हैं इन वी के अंदर तो अल्फ़ा वन वी वन में चला गया सेम वेज अल्फ़ा टू वी टू वी वी में चला जाएगा अल्फ़ा थ्री वी वी भी चला जाएगा सोन हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इन डिविजिबल टर्म वी के अंदर चलेगा और सम जो वैक्टर स्पेस है वो क्लोज होता है अंडर ऑडिशंस भी तो देर सम भी जाएगा तो दैट मीन्स जो वी है वो आपके पास एलिमेंट वी का जाए होगा फिर अगेन सेकेंड नोट फॉर वैक्टर वी वन वी टू सो ऑन वी एन वी शेल गेट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बाई टेकिंग द डिफरेंट सेट ऑफ स्केलर ऑफ हव कहते हैं कि अगर मैं स्केलर्स को चेंज कर दूँ जो लीनियर कम्बिनेशन के अंदर है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर मिलेंगे स्केलर चेंज करने के बाद फिर सेकेंड डेफिनेशन सिक्स लीनियर स्पैन हम सपोज uh, करते हैं कि एस इज नॉन एम डी सबसेट ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ दैन द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इज़ डिनोटेड बाई एल एस की एक ऐसा सेट जो हम एस के जितने एस नॉन एम डी सेट था उस सेट में से आप फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी एलिमेंट्स वैक्टर स्पेस के बनेंगे उस सेट को में का नाम देंगे तो तो होनी चाहिए और आई फील्ड में से उठाने आई रनिंग तो जो एस सेट है वो सबसेट ऑफ फी का होना चाहिए और नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ होना चाहिए अगर हमारे पास एस सेट एम्प्टी टी हुआ तो उसका लीनियर पैन हमारे पास क्या आएगा जीरो सब स्पेस तो डेफिनेशन सेवन स्टडी करते हैं जनरेटर ऑफ ए वैक्टर स्पेस हमारे पास एस को बोलेंगे कि वो जनरेटर है वैक्टर स्पेस वी का सबसे पहले तो वो नॉन एम सबसेट ऑफ वी होना चाहिए अगर सेट एस का लीनियर स्पेन सारे का सारा वी जनरेट बोल कर दे तो उसे बोलेंगे वैक्टर स्पेस का जनरेटर तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इफ़ एस इज नॉन एम टी सबसेट ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ दैन एस इज कर्ड जनरेटर ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस दैट मीन्स एल लीनियर है वो सारे के सारा वी जनरेट कर दे दस इफ एस इज जनरेटर ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ एंड इफ वी बिलोंग टू वी देन देर एग्जिस्ट एलिमेंट्स वी वन वी वी एन जो वैक्टर हैं बिलोंग टू एस सच दैट कि मैं वी लिख पाऊँ लीनियर कंबिनेशन ऑफ एस के वैक्टर का विद द हेल्प ऑफ स्केलर दैट मीन वी इज इक्वल टू अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री सो ऑन अल्फा एन वी एन फॉर सम अल्फाइव बिलोंग टू फील्ड स्केलर बिलोंग टू फील्ड एंड आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हमने एक वैक्टर स्पेस लिया वी टू ओवर आर दैट मीन्स आर स्केर ओवर आर की बात कर सकते हैं यहाँ पे जिसमें एलिमेंट डबल एट होंगे पेयर के अंदर एलिमेंट होंगे ऑर्डेट पेयर के अंदर अल्फा बीटा सच दैट की बीटा रियल होनी चाहिए तो एस सेट मैंने दिया वन जीरो जीरो वन के कलेक्शन के अंदर दैट मीन्स वन जीरो को नाम दिया ई एंड जीरो वन को नाम दिया ई टू ये स्टैंडर्ड uh, जो आपके पास नोटेशन है तो लेट वी बिलोंग टू वी बी एनी एपटरी एलिमेंट है तो वी के अंदर एलिमेंट कैसी टाइप तो uh, के अल्फ़ा बीटा तो इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ाबीट को अल्फ़ा बाहर स्केलर कम्बीशन ऑफ एस के एलिमेंट का दैट मीन्स अल्फा वन जीरो बेटा जीरो वन तो दैट मीन्स आपके पास एनी एलिमेंट वी एलबिटरी एलिमेंट था तो कोई भी एलिमेंट उठाओगे वी का तो हम उसको लिख सकते हैं लीनियर कंबिनेशन ऑफ सेट एस तो दैट मीन्स लिनियर स्पेन ऑफ एस ने सारा का सारा वी जनरेट कर दिया तो दैट मीन्स जो आपके पास यहाँ पे एस सेट लिया था ई वन ए टू वो आपके पास जनरेट हो गया वैक्टर स्पेस वी का तो इम्प्लाइज दैट वी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू इम्प्लाइज दैट एस इज जनरेटर ऑफ वी टू तो नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पहले आई हुई एग्जाम के अंदर जी एंड के अंदर स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लीनियर स्पेन एल एस ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए वैक्टर स्पेस एफ इज सब स्पेस ऑफ वैक्टर स्पेस एफ जो एल एस होता है ठीक जो हर ऐसा आपके पास कोई भी नॉन एल सेट होगा वेक्टर स्पेस वी एफ का और उसका जो लीनियस स्पेन होगा वो सब स्पेस होगा वी एफ का ये हमें शो करना है तो प्रूफ करते हैं नेट वी और डब्ल्यू दो एलिमेंट एल एस में से उठाएं तो अगर लीनस पेन में से कोई दो एलिमेंट उठाते हो तो पक्का वो लिनियर कॉम्बिनेशन होगी एस के एलिमेंट के तो देट मीन्स वी आपके पास होगा समीशन आई रनिंग फ्राम वन टू एन अल्फा वन वी वन विच इजिकल टू अल्फा वन वी एन प्लस अल्फा टू वी सो ऑन अल्फा एन वी एन तो सेम वैसे डब्ल्यू उठाते हैं अगर डब्ल्यू भी एलिमेंट लीनियर स्पेन में से लीनियर स्पेन तो में से तो वहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगी समीशन जे रनिंग फ्रॉम वन टू एम बी जे डब्ल्यू तो तो जे तो वेयर तो बी जे इज इक्वल टू एफ बिलोंग टू एफ एंड डब्ल्यू जे बिलोंग टू एस एंड आई एंड जे रनिंग फ्रॉम वन टू एम और डब्ल्यू को लिखते हैं बी वन डब्ल्यू वन प्लस बी टू डब्ल्यू टू सॉन बी एन डब्ल्यू एन बेटा एन डब्ल्यू एन तो हमें शो करना है कि अल्फ़ा बी प्लस बेटा डब्ल्यू बी लीनियर स्पेस एस एल एस में लीनियर पेन में जाएगा एल एस के अंदर अगर वी और डब्ल्यू दोनों आपके पास लीनियर पेन में से उठाते हैं और ए और बी फील्ड के एलिमेंट है तो कंसिडर करते हैं ए वी प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह वी की वैल्यू स्पोर्ट करते हैं बी की जगह जो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू स्पोर्ट करते हैं तो आपके पास आएगा ए इंटू समीशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई वी आई प्लस बी इंटूशन रनिंग टू एम बीटा जे डब्ल्यू ए अब ए स्केल है समीशन के अंदर चल जाएगा दैट मीन्स अगर हम टर्म सम के ऊपर हर हर एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होगा ठीक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ऑडिशन के अंदर तो यही रिजल्ट लगेगा तो लिख सकते हैं समीशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू तो एन ए अल्फाई वी आई प्लस समीशन रनिंग जे वन टू तो एम बी बी जे डब्ल्यू ए तो अब आप तो अल्फा ए भी स्केलर है फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा भी स्कील्ड का एलिमेंट है तो दैट मीन्स हमने एक जब वेक्टर स्पेस किया तो तो हमने किया था अल्फा बीटा इंटू वी अल्फ़ा बीटा को पहले इकट्ठा करके वी के साथ प्रोडक्ट करो इक्वल अल्फ़ा की बीटा वी के साथ दैट मीन बीटा वी की पहले प्रोडक्ट करो फिर अल्फा से करो तो आंसर सेम आता है तो वो आइसोशिव ला लगा अल्फ़ा ए अल्फ़ा आई को एक बैक्ट के अंदर इकट्ठा कर लिया सेम वैसे बीटा बी को एक बैक्ट के अंदर इकट्ठे आंसर सेम मिलेगा तो हम देख सकते हैं ए अल्फ़ा वन वी वन ए अल्फा टू वी टू सोन ए अल्फा एन वी एन प्लस बी बीटा वन डब्ल्यू वन बी बीटा टू डब्ल्यू टू प्लस बी बीटा दैट मीन्स जो आपके पास ए वी प्लस बी डब्ल्यू था इसको हमने एक्सपर्ट कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स तो दैट मीन्स अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू भी किस में चला गया एल ऑफ लीनियस मैन ऑफ एस के अंदर तो हैंस अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू बिलोंग टू लीनियस पैन ऑफ एल एस तो दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू फील्ड वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू लिनियस एस इम्पलाइज दैट ए वी प्लस बीटा डब्ल्यू पैंस एल एस में चला गया लीनियस पैन के अंदर तो एल एस इज सब ऑफ एक्टर स्पेस वी एफ